मैं किन बातों पड़ गया? मैंने अपना धंधा खोला, मैं देखूं कोई मेरे कस्टमर ना आते हो। मैं फालतू पता नहीं कौन कौन सी बातें करते जा रहे। एक तो मेरे नौकर पता नहीं कहां मर गया। अरे अमू भाई तू बड़ा बंठन के घूम रहा है, कहां गया था तू? बंठन के घूम रहा हूं मैं, वो तो मैं दुकान पे गया था आटा लेने के लिए। मैंने जैसे बोला मुझे आटा चाहिए, फिर 15 मिनट बाद मुझे होश आया। मेरे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, इतना मारा उन्होंने। ये तो सामने किसी के तार के ऊपर लटक रहे थे, वो उतार के पहने मैंने। अरे ठीक है ठीक है। अरे वाह मालिक वाह, क्या बात है। फनेल की दुकान खोल ली। इन लोगों को बोतल दो ही बार देखने को मिलती है, एक बार जब दिवाली में कोई रॉकेट चला रहा हो, दूसरी बार जब कोई हल्का होने के लिए जा रहा हो। अरे दारू की बोतलें हैं ये। तो ये शॉप खोलने के लिए पैसे कहां से आ गए हैं? पैसे कहां से आने दे, मैंने किडनी निकाल के बेच दी। क्या मालिक आपने किडनी निकाल दी? हाँ, वैसे भी तो शराब पी के खराब ही नहीं है, मैंने कहा बेच दो। अरे मालिक आप कितने महान हैं, कितने ग्रेट हैं आप, क्या आदमी एक किडनी के साथ जिंदा रह सकता है? हाँ हाँ कुछ नहीं होगा तुझे। नहीं मालिक मैं समझाने के, किडनी तेरी किडनी निकाल के बेची मैंने। अबे यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे होती किडनी। यहाँ होती है नीचे। कैसी बात की, मेरी सारी फिटिंग उल्टी हो गई है। कब निकाली मेरी किडनी? अबे परसों जब तू सो रहा था ना, निकाल ली मैंने। फिर सो रहा था तब निकाली। हाँ। लेकिन चीरा तो आया नहीं। चीरा नहीं, मैंने मुंह में हाथ डाल के निकाली थी। तूने करनी भी क्या है? तू कौन सा शराब पीता है? दो दो किडनियां तुझे क्या करनी है? हाँ ठीक है, मैं तो बंदूक भी नहीं चलाता, हाथ भी कटवा दो मेरे। फालतू की बातें मत कर, तेरे को पता है कितने में बिकी तेरी किडनी? कितने में बिकी? 20,000 में बिकी है मेरी किडनी, सिर्फ 20,000 में। जानते हो वो कितनी महंगी थी? स्टोन था उसके अंदर। कौन सा स्टोन था उसमें? कौन था? पुखराज और नीलम थे बे। कंकड़ और खरबूजे के बीज निकले उसमें से। अबे टेंशन ना ले तू, निकल लगवा दूंगा तेरे को, दो चार किडनियां लगवा दूंगा, मेरा धंधा चलने दे, क्या वादा है तेरे को। दो चार लगवा दो? हाँ भूल गया, तेरे बाप को किडनी लगवा के दी थी मैंने। तो कौन सा पूरा काम किया था? किडनी लगवा के दे दी, टांके लगवाए नहीं थे। सिद्धू भाजी मेरे बाप को बोलते हैं तू तो कौन सा काम करता है, अपना हाथ इधर रख के फिरता रह कर तू। अब मेरा बाप किडनी निकाल के, टांके थे नहीं, इधर हाथ रख के फिरते रहते थे और इतने लेजी हो गए, पानी नहीं पीते थे, इधर ही डाल लेते थे। कोई आदमी पैसे देते थे इधर ही रख लेते थे। फिर 4 साल बाद हमने यहाँ पर जिप लगाई उनके। तो बकवास बंद करेगा अपनी, तेरे को कहा ना तेरी किडनी लगवा दूंगा मैं। हाँ मेरी किडनी लगवा दोगे? अपने बेडरूम का पहले पर्दा तो लगवाओ। पूरे मोहल्ले को पता लग गया कि आपकी पीठ के पीछे तिल है। मोहल्ले ने इतना गंदा रिएक्शन नहीं दिया, इन्होंने हाँ करके सारे शहर को बता दिया। सुन मेरी बात, अभी निकल जाओ तुम, जाके थोड़ा माहौल सेट कर दो, कस्टमर किसी भी टाइम आते हैं, और तूने वेटर बन के आना है। ठीक है ठीक है। हाँ जल्दी निकलो, जब वेटर बन। किडनी निकाल ली। अबे किडनी निकाल ली। अबे मेरी बात सुने, ये रो मत, क्यों रोने धोने से दूसरी भी फेल हो जाएगी। खुश रह कर, खुश रह कर, खुश रह कर। हाँ मेरी किडनी निकाल ली। बहुत पेन हो रही है। बड़ी तकलीफ होगी। अल्लाह कितना मजा आ रहा है। किडनी निकाल दी। अमीर आदमी होता है बीमार तो जाता है लंदन, पेरिस और सिडनी, और गरीब हो जाए बीमार तो अस्पताल में गायब हो जाती है उसकी किडनी। नहीं नहीं भाजी, मैंने कोई किडनी नहीं निकाली उसकी। अच्छा, मैंने उसको डराया जानबूझ के ताकि इधर टिका रहे। अब जब तक उसको मैं नई किडनी नहीं लगवा के दूंगा वो जाएगा नहीं, इस चक्कर में मैं घर कहाँ से करूंगा।
बिट्टू जैसा तूने कहा था ना देख मैंने वैसा ड्रेस पहन लिया। क्या बात है बुआ, पूरा विदेशी शुतुरमुर्ग लग रही तू आज। सर पे पंख भी लगा लिए है, मुर्गा खा के उसके कपड़े टांग लिए सर पे। कमाल की लग रही बुआ तू। थैंक यू, कोई बात नहीं, बार बनाने में तेरी मदद भी कर दी। सुन अब तो मेरी शादी करा देगा ना तू? बुआ ये बार तेरे लिए तो खोला मैंने। मेरे लिए? सिद्धू जी उल्टियां करने को तो मेरा भी दिल करता है पर शराब पी के नहीं। इसीलिए तो बार खोला है, यहाँ अमीर अमीर घरों के लड़के आएंगे, तू उनमें से किसी दो को फंसा लेना। है दो को क्यों? शादी तक एक तो मुकरेगा ही मुकरेगा ना। तो काम करना, अभी कोई लड़का आएगा ना तो ऐसे खुल खुल के नाचना ताकि तेरे चक्कर में शराबी आए यहाँ पे। बिट्टू तू अपनी बुआ को बियर बार गर्ल बनाना चाहता है? बार के बहाने से तू गर्ल बनने का मौका तो मिल रहा ना तेरे को। बुआ जब तक तू खुल के नाचेगी नहीं ऑडियंस के पैसे लुटाएगी, तेरी शादी कैसे होगी? अरे आपको क्या जरूरत है शादी करने की? फिटे मुत तेरे। अरे सास से ज्यादा प्यार करने वाली माँ जो है, और देवर से ज्यादा प्यार करने वाला भतीजा है, और नन से ज्यादा लड़ाई करने वाली बहू है, और नौकर भी पति से कम प्यार तो नहीं करता। क्या कहा तूने? सच? अपनी औकात में रहकर नौकर कहेगा। बिट्टू इसे ऐसे मत डांटा कर। क्यों? जिस हिसाब से मेरे रिश्ते नहीं ना आ रहे, पता नहीं कब तुझे इसे फुफा बनाना पड़ जाए। हुआ दूध अभी इतना भी नहीं फटा कि चाय ना बन सके। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा तेरी वजह से जेल जाऊंगा मैं। इधर छुरा मारूंगा तेरी दूसरी किडनी में। दफा हो जा यहां से और जा बेटर वाला पहन के आ इधर। और बुआ तुम भी इधर जाओ और दादी को बोलना बार गर्ल बन के आए, दादी भी इधर आके नाचेगी ठीक है? हाय मम्मी जी नाच लेंगी? दादी की तो सिर्फ उम्र का लिहाज करती, तेरे को पता नहीं ये अपने मोहल्ले में गुप्ता की बेटी की शादी थी ना, घुटने नीचे लगा के मुंह में 100 का नोट डाल के ऐसे कर रही थी। हेलो, हेलो, एक्सक्यूज मी, वेलकम सर, वेलकम वेलकम, आइए बैठिए। अब नीचे नहीं सर, नीचे नहीं, ऊपर बैठिए, ऊपर 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 बैठने का फायदा क्या? एक पैग पीने के बाद गिरना तो मुझे फिर से नीचे ही है। एक्सक्यूज मी, यस, पहले भी पी गए हैं आप? एक सेकंड। हाँ तो भाई साहब जब आप पहले से पी गए तो यहाँ क्या खाली उल्टियां करने हैं आप? क्या लेंगे आप बताइए? मेरे से तमीज से बात कर, तू बता तेरी बार में सबसे महंगी बियर का रेट क्या है? 300 रुपए की। 300 रुपए? 10 रुपए की दे दे। 10 रुपए की बियर दे दे, इधर मूंगफली लेने आया था, निकल यहां से। तू मेरे को जानता ही है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। मेरे से फालतू बातें मत कर, मेरे को बैठने दे। उधर बैठिए आराम से। दो कस्टमर उधर खड़े। आप बियर तो लेंगे ना? तुझे कैसे मालूम मैं बियर पीता हूँ? तो इतना मोटा पेट क्या कुलचे छोले खा के किया? मुझे बियर नहीं चाहिए। हाँ? मुझे ऐसी कोई चीज दे दो जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ जाए। आहिस्ता आहिस्ता चढ़ जाए? हाँ? आपके पैर के ऊपर मकड़ी छोड़ दूं जो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ जाए? आपकी टांग के साथ एक सीढ़ी लगा देते हैं कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चढ़ जाए। ओए क्या कस्टमर के साथ बदतमीजी कर रहे तू? बियर कर रहा हूँ। ये कस्टमर ये किसी ने बर्थडे पे गुब्बारा फुलाया हुआ है। सर क्या हुआ आपको? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आई थी। मेरे को लग ही रहा था ये ऋतिक है, क्योंकि साथ में जादू खड़ा है वो।
वाह, लगता तेरी भगवान ने सुन ली। कैसे? तेरी किस्मत, वो लड़का देख रही है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई है, बहुत ज्यादा उदास है। मैं तेरी मुलाकात कराता हूँ, दो पैग पिला ले ले अपनी बाहों में जा। अरे ये ऑटो में ना आए, मैं अपनी बाहों में कैसे ये ऑटो में आता भी नहीं वो। हाँ, क्या मर्सिडीज में आता है? मर्सिडीज। हाँ, तो मैं तेरी बात कराता हूँ, तू अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? ठीक है। सर आप अभी तक उदास लग रहे हैं। मेरे होते हुए आपको उदास होने की क्या जरूरत है? हाँ बिट्टू, ये उदास क्यों है? इनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी इनको। हाय हाय, ये बेचारा तो पीछे भी नहीं भाग पाया होगा। इमारत कितनी भी कमजोर हो जाए लेकिन बुनियाद आज भी मजबूत है। स्ट्रॉन्ग दादी। वेटर, इधर आओ। हाँ जी, बात सुनो, ये डांस बंद करो, गाना सुनाओ। गाना? मैं गाना गाना मेरे को दादी, मेरे को तो खाली गुलाम अली की गजल आती, क्या करूं? कोई नहीं, करे शुरू कर दे, शुरू कर दे। गादे गादे मूड बन जाएगा, मूड बन जाएगा, मूड बन जाएगा। बुआ गजल साफ सुथरी है। सर नुसरत साहब का चलेगा कुछ? नहीं नहीं नहीं, रात के टाइम हैवी नहीं। कुछ लाइट लाइट। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बैठा रखा है। दरबान बैठा रखा है। चुपके चुपके रात दिन, चुपके चुपके तड़कता भड़कता गाना सुना आर डी बर्मन का। ओके, आर डी बर्मन साहब का गाना पेश है, 1 2 3 4। कस्टमर की माँ का टका। अबे तुम लोगों के पैसे का भूखा नहीं हूँ, साला एक मेरी दादी के साथ एंजॉय कर रहा है, दूसरा मेरी बुआ से चिपका हुआ है। यू बे अफ्रीकी भालू, तू क्या कर रहा था बे? साले बिस्की बेच रहे हैं इधर, इज्जत नहीं बेच रहे हैं हम लोग। गाना सुना, गाना तेरी माँ का कुमार शानू नहीं मैं। गाना खाना, अरे मोटे गाना। अरे तेरी तेरा वजन कितना, तू मुझसे क्या लड़ रहा है? इसका वजन भाई साहब, मैं आपके पैर ही पड़ रहा हूँ ना, मैं आपके पैर ही पड़ रहा हूँ ना। कस्टमर होता है भगवान का रूप। हाँ, सबको जो खाना पीना है मिलेगा बारी बारी से। ओके, टेंशन नहीं लेने का। नहीं, ओके। पहले कौन आया था? प्रेजेंट सर। आप आए थे? यस। हेलो। अब मेरी बीवी को बताना, उसका हस्बैंड बहुत बहादुर था। बोलना दूसरा कौन आया था? कौन आया था? मैं तुझे दूसरा ढूंढेंगे, दूसरा ढूंढेंगे। बुआ की वजह से मेरी शहर में बदनामी हो रही है। नहीं बिच्छू, नहीं।